पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की और अगर हम बात करें तो अगर किसी को समझना है पावर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है अगर थोड़ा क्विकली डिफाइन कर दें हम देखिए सबकॉन्शियस माइंड सब एक एक ऐसी चीज है जो पहला चीज़ ये समझना पड़ेगा कि हमारे दो ब्रेन होते हैं एक तो कॉन्शियस और एक आता है सबकॉन्शियस कॉन्शियस इज़ बेसिकली नथिंग बट एनालिटिकल जो माइंड होता है जो सोचता है या जो जो चीज़ों को समझता है या उसको ट्रांसलेट करके हमें समझाने में मदद करता है लेकिन बैकग्राउंड में सारा का सारा काम कर रहा था सब कॉन्शियस तो तो बेसिकली ड्राइवर uh, तो कॉन्शियस ही है जो ड्राइव करता है लेकिन पीछे का जो पूरा ऑपरेशन है जहाज को चला रहा है वो सबकॉन्शियस चला रहा है पूरा ठीक है सबकॉन्शियस जो है वो हमारी लाइफ को ना लाइफ को एक सक्सेसफुली लीड करने में हेल्प करता है सबकॉन्शियस hmm. एक एक तरह से ऐसे पैटर्नस हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या अचीव करने वाले हैं और क्या अचीव नहीं करने वाले क्योंकि वो इमेजेस हैं सारी की सारी सबकॉन्शियस में सारी की सारी हमारी इमेजेस पड़ी हुई जिन्हें सबने पहले भी डिस्कस किया अब अब बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत सारी चीजें रिसीव करते रहते हैं और और चाह के ना चाह के सबकॉन्शियस में डालते रहते हैं डालते रहते डालते रहते हैं लेकिन क्या होता है कि हमने हमने ना कभी ये नहीं समझा कि किसको फिल्टर करना है किसको नहीं करना है नहीं करना है क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम कंसिस्टेंटली रिसीव ही कर रहे हैं लेकिन अगर हमने इस पर फिल्टर लगाना सीख लिया तो हम अपने सबकॉन्शियस को बहुत ही एक ऐसी चीज है ना मतलब हमें ना शायद हो सकता है उसको रिपोर्ट करने की भी जरूरत ना पड़े हमने अगर उसको फिल्टर कर लिया तो मतलब हमें ना किन चीजों को फिल्टर करना है फिल्टर मतलब अगर कोई भी थॉट आ रहा है जैसे मैंने जैसे अभी हमने बात की कि वी योर ओन डॉक्टर डॉक्टर डजन मीन कि आप खुद का इलाज करने लग जाओ वो मतलब नहीं यहाँ पर मतलब अब कोई भी थॉट आ रहा है आर यू वेरीफाइंग दैट थाट अगर मान लो आप, आपको सेल्फ डाउट आया आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है और आपको सेल्फ डाउट आ रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं तो आपको क्या करने की जरूरत है आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या किसी ने जो मेरे जैसा था या मेरी जैसी प्रोफाइल का था या मेरी जैसे बैकग्राउंड से था क्या किसी ने ऐसा कुछ किया है तो आप बहुत जल्दी इजिली रिलेट करोगे hmm. कर वहां तक जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां तक आज तक कौन कौन लोग पहुंचे हैं आप उनका रेफरेंस लो इसलिए तो बोलते हैं केस स्टडी पढ़ो पॉडकास्ट देखो कंटेंट कंज्यूम करो किताबें पढ़ो ये इससे ना आप ये रिलेट आप ना लोगों से रिलेट करने लगते हो यार ये तो यार अगर मार्क जकबर कर रहा है यार मेरे अंदर भी तो इसी तरह से पैशन था यार मैं भी तो कुछ करना ही चाहता था ठीक है यार, यार ये आर्टिस्ट है यार इतना अच्छा आर्टिस्ट है मेरे मैं भी तो बहुत अच्छा था तो आप क्या कर रहे हो ना कि यार हर कोई इंसान जब देखता है ना जब तो आपको ना अपनी जैसी कहीं ना कहीं पर कहानी मिल जाती है एक कहानी राइट और फिर ना आप वहां पर फिल्टर करने लगते हो और आप अपनी आप अपनी सारी कन्वर्सेशन को टॉक को इमेजिनेशन को आप फिल्टर करके आगे भेजते हो प्रोसेस करते हो अपने सबकॉन्शियस में डालते हो और इसी के जरिए मुझे लगता है कि लोग अपना अपने जो जो कुछ भी रिसीव कर रहे हैं उसको फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करने के साथ साथ आप उसको ना और स्ट्रोंगली उसको स्ट्रांग भी बना सकते हो आप ना कि जस्ट फिल्टर कर सकते हो स्ट्रांग मतलब कि मतलब आप पत्थर पत्थर पे लकीर बना लो उसको कि लाइफ के रूल यही होने चाहिए यार और ये नहीं कह रहा हूँ कि एडिटेबल नहीं होने चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ बेहतर चीज़ें आती रहती हैं जैसे आज से दस साल पहले जो मेरे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे आज नहीं है नहीं। हो सकता है आने वाले दस साल में भी मेरे बिलीव्स नहीं होंगे बस मेरा वैल्यू सिस्टम सेम रहेगा मेरे वैल्यूज सेम रहेंगे लेकिन मेरे बिलीव्स हो सकता है बदल रहेंगे क्योंकि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें बदल रही हैं वक्त बदल रहा है

लॉट ऑफ वर्क्स लॉड यू नो अंडरस्टैंड लॉड ऑफ ऑथर्स और ये ये आपको ना एक स्पार्क देता है फिर आप कहते हैं कि नहीं चलो इसको साइड करो जैसे पहले पहले शुरू में थॉट आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कि सिर्फ सोचो फिर बाद में थो, थोड़े दिन बाद जब उसी किताब को द सीक्रेट को मैंने दोबारा पढ़ा उसमें मैंने पाया जैसे सीक्रेट किताब मान लेते तीन सौ पेज की किताब है उसके अंदर दो पेजेस पर ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन करना है छोटा सा चैप्टर है

एंड वो आपको उसका फल जरूर देगा आप आप टेंशन ले रहे हो आप उस 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 के के साथ उस लीप के साथ लीप ऑफ करते तो रहो तवक्कल बोलते हैं हा, 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 करेक्ट हुँ, हुँ। तो अब अब जब आपको ये लगता है कि नहीं है मेरे पास मेरे साथ आशीर्वाद है मेरे साथ लोग हैं मेरे साथ ब्लेसिंग्स है और भगवान मेरे साथ है तो मेरे को क्या ही डर है यार तो मुझे लगता है कि जो आपके मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है ना वो बहुत आसान हो जाती है राइट right. मेरे को लगता है ना ये सारी बातें हमें ना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है स्पिरिचुअल Spiritual... अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीज़ों को समझो तब तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल